कैसे आप अपना छोटा बिजनेस बड़ा कर सकते हो विदाउट लोन और एक्सटर्नल फंडिंग। काफी सारे छोटे बिजनेसमैन ये सोचते कि अगर हमें हमारे बिजनेस को बड़ा करना है तो बैंक से लोन चाहिए या वीसी फंड चाहिए। देखो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में यही फॉर्मूला मैं आपको देने वाला हूं कि कैसे छोटा बिजनेसमैन अपने बिजनेस को देश भर में लेके जा सकता है, तेजी से एक्सपेंशन कर सकता है। अगर आपको अपने बिजनेस का एक्सपेंशन करना है तो आज के टाइम में आप फ्रेंचाइजी मॉडल के ऊपर जा सकते हैं। हिंदुस्तान के अंदर फ्रेंचाइजी मार्केट 35% से ग्रो हो रहा है। ये इंडस्ट्री अराउंड 100 बिलियन डॉलर की होने वाली है। और अगर आप अपने आसपास भी देखोगे ना, आपको ढेर सारी फ्रेंचाइजियाँ दिखेंगी। अमूल, सरस डेयरी, पेट्रोल पंप, जारा, पूमा, नाइकी, एडिडास, स्टारबक्स, मैकडोनल्ड्स, पिज्जा, डोमिनोज, ये सारी ब्रांड्स क्या है? फ्रेंचाइजी तो है। इन्होंने अपना एक्सपेंशन फ्रेंचाइजी की मदद से करा। फ्रेंड्स, अगर आपको भी अपना एक्सपेंशन करना है, बिजनेस को आगे लेके जाना है, तो आपको फ्रेंचाइजी मॉडल को बनाना पड़ेगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके साथ दूसरा एंटरप्रेन्योर पैसा कैसे कमाएगा। देखिए, अगर आपको एक्सपेंशन करना है तो आपको आउटलेट चाहिए। ऑनलाइन आज के टाइम में आप रीच बना सकते हो, बट ट्रांजेक्शन करने के लिए आज भी फिजिकल आउटलेट जरूरी होते हैं। आज क्यों? LIC इंश्योरेंस कंपनी हर सिटी के अंदर अपने ऑफिसेज डालती हैं, बैंक्स के अपनी ब्रांचेस डाल रहे हैं, क्योंकि डिजिटल ट्रांजेक्शन रेट बहुत कम है, रीच अच्छी मिल जाती है। बट पैसा लेने के लिए ऑनलाइन आदमी डरता है। बड़े चेक्स काटने में, पैसा ट्रांसफर करने में आज भी इंडियंस फिजिकली विजिट करना पसंद करते हैं। अब बड़ी बड़ी ब्रांड्स भी अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को, सर्विस नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग कर रही है। जैसे कैंट आरो की बात करें, अब कैंट आरो का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग है, सर्विस पॉइंट बहुत स्ट्रॉन्ग है। जो इनकी सर्विस की फ्रेंचाइजियाँ हैं और डिस्ट्रीब्यूशन के पॉइंट्स हैं, उनको इन्होंने बहुत अच्छे से बिल्ड करा। तभी आप देखिए मार्केट के अंदर दूसरा आरो, कॉम्पिटिशन का आरो 2,000, 4,000, 6,000, 10,000 का आ रहा है, बट कैंट आरो 17,000 रुपये से चालू होता है। डिफरेंस क्यों आया? सर्विस के अंदर आया, ट्रस्ट के अंदर आया कि कस्टमर ने एक बार लिया, उसको सर्विस की टेंशन नहीं लेनी। तो आपको ये देखना है कि कैसे आप अच्छा प्रोडक्ट बना सकते हो, उसके बाद अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क फ्रेंचाइजी के साथ। क्योंकि देखिए, अगर देश भर में आपको फैलना है, हर सिटी और स्टेट में आपने ऑफिस डाला, तो पहले तो वहाँ का रेंट और एक्सपेंस, उसके बाद एम्प्लॉय की सैलरी, उसको ट्रैक रखना, ERP लगाना, मोटिवेशन देना, ट्रेनिंग देना, एम्प्लॉय छोड़ के चला गया तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट, ये बहुत महंगा पड़ता है। आज इतने सारे स्टार्टअप देश भर में फेल क्यों हो रहे हैं? वो फंडिंग उठा रहे हैं, बट एक्सपेंशन के लिए वो क्या कर रहे हैं? एम्प्लॉयज़ को हायर कर रहे हैं। अब एम्प्लॉयज़ का मोटिवेशन होता है उनकी सैलरी। आपको सेल मिले या ना मिले, आपको प्रॉफिट मिले या ना मिले, आपको आउटपुट मिले या ना मिले, एम्प्लॉय को टाइम पे सैलरी मिलनी चाहिए। यहाँ पे सारा एम्प्लॉय का फोकस होता है। वो ये सोचते हैं प्रॉफिट आ गया, इंसेंटिव आ गया, कुछ भी हो गया, सैलरी टाइम पर आनी चाहिए। प्रॉफिट हो गया, सेल हो गया, आउटपुट निकल गया, वो एम्प्लॉयर का, हमें हमारी सैलरी टाइम पर चाहिए। लेकिन जब आप किसी को अपनी फ्रेंचाइजी देते हो, उसको अपना फ्रेंचाइजी पार्टनर बनाते हो, तो एक तरीके से आप उसके साथ जुड़ के मिलकर बिजनेस कर रहे हो। अब आपको अच्छे प्रोडक्ट बनाने, सर्विस बनाने, बल्क परचेजिंग करनी है, जिससे आप सस्ते रेट्स के अंदर अपने फ्रेंचाइजी को मटेरियल सप्लाई कर सको, या फिर सस्ते रेट्स के अंदर सर्विस सप्लाई कर सको अपने फ्रेंचाइजी को। बाकी सेल्स लेकर आना, नेटवर्क को बिल्ड करना, ये सारा काम आपका फ्रेंचाइजी करेगा। वो एक तरह से आपका पार्टनर बन गया, क्योंकि उसने आपके साथ पैसा लगाया है। आपका फिर सारा फोकस बिजनेस के अंदर प्रोडक्ट और सर्विस के ऊपर चला जाएगा, और आपके फ्रेंचाइजी का सारा फोकस बिजनेस के अंदर सेल्स के ऊपर चला जाएगा। और मैं काफ़ी सारे फ्रेंचाइजी ओनर से मिलता हूँ जिन्होंने काफ़ी अच्छी ग्रोथ करी है फ्रेंचाइजी बिजनेस के अंदर। वो कई बार मेरे को कहते हैं कि सर, हमें हमारे बिजनेस के अंदर R&D डिपार्टमेंट की जरूरत ही नहीं है, हमारे फ्रेंचाइजी हमें इतना सारा डेटा ला के दे देते हैं, कस्टमर को क्या चाहिए, हम उसी डेटा को एनालिसिस करके R&D करके नया प्रोडक्ट बना देते हैं। क्योंकि देखिए, जब आपका फ्रेंचाइजी ओनर है ना, वो एक एंटरप्रेन्योर है, वो बिजनेस की तरह सोचेगा, उसको सेल्स निकालनी है, उसको प्रॉफिट चाहिए, एक एम्प्लॉय की तरह नहीं कि उसको हर महीने तनख्वाह चाहिए, 9 से 5 की वो जॉब कर रहा है, वो पूरा अपना जोड़ लगाएगा आपके साथ, क्योंकि उसको भी पैसा कमाना है। जब वो जोड़ लगा रहा है तो आपको भी बेनिफिट मिलेगा, जब कंपनीज को आउटपुट मिलता है तो वो और ग्रो कर जाती है। तो अगर आपको बिजनेस को ऑटो पायलट करना है, ग्रो करना है, स्केल करना है, तो आज के टाइम में फ्रेंचाइजी मॉडल सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है। लोन भी ले लोगे तो अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, क्योंकि ऐसा ओनर, लोन आपको चुकाना है, एम्प्लॉयज को लेकर आना, ट्रेनिंग देना, मोटिवेशन देना, तो वापस आप बिजनेस के ऑपरेशंस में लग जाते हो, ग्रोथ पे नहीं आते हो, टर्नओवर पे नहीं आते हो, नैरो प्रॉफिट्स में रह जाते हो। अगर बड़े आउटपुट्स पे जाना है, ग्रोथ पे जाना है, तो आपको पार्टनर्स बनाने पड़ेंगे। पार्टनरशिप से क्या होता है, फ्रेंचाइजी मॉडल से क्या होता है, आप एक्सपेंशन कर पाते हो, एक्सटर्नल फंड्स आपकी कंपनी के अंदर आते हैं, जिसके लिए ना तो आपको इक्विटी देनी है, ना वो लोन के फॉर्म में आते हैं, तो आपको उसको रिटर्न भी नहीं करना, तो आप तेजी से एक्सपेंशन कर पाते हो, ग्रोथ कर पाते हो।
फ्रेंड्स, अगर आप बिजनेस के अंदर ग्रो करना चाहते हो, आपको चाहिए फ्रेंचाइजी मॉडल। मेरी ऑर्गेनाइजेशन बिलियन प्रीत एंटरप्रेन्योर्स को मदद करती है फ्रेंचाइजी मॉडल तैयार करने में ऑफलाइन ऑनलाइन एक्सपेंशन के अंदर। अगर आप लोग बिजनेस कर रहे हैं, ऑनलाइन एक्सपेंशन नहीं कर पा रहे, रीच को नहीं बढ़ा पा रहे, ऑफलाइन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क नहीं बना पा रहे, तो आप हमें इस नंबर के ऊपर कॉल करिए। मेरी टीम आपको मदद करेगी राइट फ्रेंचाइजी मॉडल तैयार करने में। हैंड होल्डिंग सपोर्ट आपको मिलेगा, फ्रेंचाइजी आउटलेट खोलने कैसे, इन्वेस्टर पार्टनर कैसे बनाने, कैसे उनको ट्रेनिंग देनी, कैसे उनके साथ ग्रोथ करना है और कैसे इस मॉडल को स्केलेबल बनाना है, ये सारी सर्विसेज हम आपको प्रोवाइड करते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको फ्रेंचाइजी के बारे में, एक्सपेंशन के बारे में जानना है, तो हमारी वेबसाइट billionbee.com पर विजिट करिए। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर है, नया बिजनेस चालू नहीं कर रहे, तो आप किसी एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर के साथ जुड़ के उनकी फ्रेंचाइजी लेके बिजनेस चालू कर सकते हैं। हमने बहुत सारे ब्रांड्स को हमारे पोर्टल billionbee के ऊपर इस समय लिस्ट कर रखा है, वेबसाइट पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप लोगों के मन में कोई क्वेश्चन है, सजेशन है, तो कॉमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। कॉमेंट सेक्शन के अंदर कॉमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं, आपने इस वीडियो को यहां तक देखा, हमको इतना प्यार एंड सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।